अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ब्रो क्या हाल है, ठीक हो? सब खैरियत है, फिट फाट, मजे में ना? आज आपने देखा होगा कि यार काशी भाई अलग लोकेशन में, बल्कि नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखा दिया था कि रैसे के मैं रात ही शिफ्ट हुआ हूँ नए रूम के अंदर। तो फिलहाल ये रूम जो है वो 2% शेयरिंग के साथ है। मैं ऊंचा नहीं बोल सकता क्योंकि ये फ्लैट या ये रूम या ये घर जो है ये फैमिली वाला है, तो ऑनर भी साथ ही रहते हैं, वो कपल और मतलब यार प्रोफेशनल लोग रहते हैं, तो मैं ऊंचा ऊंचा नहीं बोल सकता। दिस इज माई रूम। रात मैंने कहा था कि मैं आपको यहाँ का विजिट करवाऊंगा रूम का। तो लाइट सबसे पहले ये देखो आप, कैसा है कि नहीं मजे का, बेहतरीन। और ये है अपना रूम, दिस इज शू रैक जिसमें मैंने अपनी सारी पर्सनल चीजें, एक ये कबर्ड जो मेरे दूसरा रूममेट जो आएगा उसकी, और एक ये मेरी फिलहाल के लिए मैंने सेट कर दिया। और सेकंड ये मेरी ओनर जो है, मतलब रूम ओनर जो है, मैंने इसके कहा था कि आंटी बहुत अच्छी हैं और वो मेरे लिए ले गई है नाश्ता। उन्होंने सुबह सुबह मैसेज किया है कि कैन आई मेक यू अ ब्रेकफास्ट और टी समथिंग। मैंने कहा इट इज इजी फॉर यू, देन श्योर सी। बहुत है। तो आज जैसे कि मैंने कहा था कि अपनी सिक्योरिटी की क्लास है, लेकिन मैं रात भी बैठा रहा हूँ क्योंकि कुछ होमवर्क था वो करना था, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज से वो क्लियर करने थे। स्टिल आप देख सकते हैं कि लैपटॉप पढ़ा रहा हूँ मैं, वही स्टिल अभी कर रहा था, तैयार हो गया। क्लास मेरी 9 बजे थी, मैंने यूनिवर्सिटी भी स्किप की इधर जाना, लेकिन वही जितनी जल्दी हो सके मैं इसे कम्प्लीट करता हूँ और जो है ना सिक्योरिटी की क्लास के लिए पहुंचता। तो भाई साहब सीन कुछ ऐसा है यार, एक मैं देख लूँ, हेलो। सीन कुछ ऐसे कि क्लास लेने हम गए नहीं, लेकिन उसका होमवर्क जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि मैंने कहा था कि रूम में मुझे चाहिए रूममेट चाहिए था, तो वो एक दोस्त था जॉनी भाई। जॉनी भाई से हेलो टू माय ऑडियंस, और आपको और भी काफ़ी लोग देखेंगे आपके यार दोस्त रहीमियर खान में। तो ये है मेरे रूममेट्स, तो ये रहते हैं नॉर्थहैम्पटन ऐसे कुछ है यार। तो अभी वहाँ पर जा रहे हैं इनका सामान लेने, और मेरा ये तकरीबन पहला वो होगा क्या कहते हैं रोड ट्रिप यूके के अंदर। लग रहा है ब्रो इजी। तो देखते हैं कि कैसा हमारा जो है वो सफर गुजरता है यहाँ पर। ये गाड़ी है हमारे पास किया पिकांटो, कौन सा मॉडल है, 2007। हाँ नहीं पिकांटो तो एक ही मेरे ख्याल में मॉडल आया, वो नए वाला बस मेरे ख्याल में, नहीं वो डस्टबिन है ना पीछे। तो अच्छा तो ऐसा सीन है कि शुक्र है कि हमें रूममेट जो है ना वो अपना ही मिल गया। ये रहीमियर खान के मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं, ये होते हैं नॉर्थहैम्पटन में, तो अभी वहाँ से उनका जो है सामान लेने जा रहे हैं। यस। तो ब्रो यहाँ पर जो है वो गैस स्टेशन पर रुके हुए हैं, इस टाइम जो है वो गाड़ी रिफिल करवा रहे हैं, सही है। तो देखते हैं कि यहाँ का रिफिल वाला सिस्टम जो है ना वो क्या होता है और कितने में होता है, क्या होता है कि मतलब होगा तो सिस्टम सेम ही ना ब्रो, लेकिन ये है कि सेल्फ सर्विस है, मतलब खुद ही आओ और अपना हाल वाल करो। तो देखते हैं कि कितने में कितने लीटर जो है ना वो पेट्रोल डलता है इसमें। लीटर 18 हो चुका है, दिस स्केल 28 पाउंड, 29 30 पाउंड में आया है 20 लीटर, 30 पाउंड कितने बनते हैं, 30 पाउंड 15 17 तो बनते होगा। तो ये है सेल्फ, अब ये इसका मतलब पे पता नहीं कैसे करेंगे, मोबाइल पेमेंट पंप 3 तो या कितने दो बस। अब ये नहीं पता कि इसकी पेमेंट कैसे होगी यार, एसओ ऐप मोबाइल ऐप पता नहीं, खैर पूछ लेंगे कि यार पेमेंट कैसे होती है। टनल दिखा दूँ आपको, बहुत बेहतरीन किस्म की। ओके अदनान भाई बहुत थैंक यू, मैं फोन रब्ता कर दूँ। आप यहाँ से आए थे जो टनल का बता रहे थे? अच्छा बहुत दूर है, लेकिन ये यार बहुत सबसे बड़ा मोटर है यहाँ। कंट्री साइड देखने के मजे हैं। अगले दिन हम गए थे टलबरी वाली साइड पे, वहाँ का कंट्री साइड देखा तो जस आगे के बैक गाली दे दी, मतलब वहाँ पर ही जो है ना वो शिफ्ट हो जाए। रास्ते में जाते हुए हमें जो है वो लिडल्स का क्या कहते हैं वेयर हाउस मिला है, ये जितना आपको नजर आ रहा है इससे डबल अभी पीछे है बड़ा। आई थिंक यहाँ से भी वो करते होंगे, डिलीवर करते होंगे आई थिंक, मतलब सारा कुछ जितने भी लिडल्स के नज़दीक पड़ते हैं।
अच्छा अमेज़न का आप बता रहे थे। तो हमें इस सफ़र के ऊपर और इस रोड के ऊपर तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, घंटा डेढ़, और अभी आधा पौना घंटा या घंटा और लगेगा, 1 घंटा हमें और लगेगा, और शायद फिर हम अपनी अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह अपनी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। और फिलहाल तो बहुत मज़ा आ रहा है, फर्स्ट ट्रिप है, काफ़ी चीज़ें मिली हैं देखने को, तो गोइंग एंड गोइंग। अमेज़न का जो है ना, मैं वेयर हाउस दिखाता हूँ, ये HM क्या है? अच्छा मुझे लगा शायद ये है, खैर जो भी है HM, नहीं मैं ये देख रहा था HM। जितने भी है मतलब सबके जो है ना वो अच्छा वेयर हाउस है, और छोटे छोटे ट्रक नजर आ रहे हैं, ये सारे लाइन में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे। अच्छा ये अमेज़न पे जो लोग काम करते हैं, मतलब अक्सर कहते हैं यार वेयर हाउस में लग जाते हैं, ये वाले ये होते हैं वो? अच्छा वो इसकी बसेस लंदन में चल रही होती है ना, पिक एंड ड्रॉप वगैरह भी देते हैं। अच्छा तो मतलब यहाँ तक आना पड़ता है, बहुत फिर तो बनता है उनकी सर्विसेज देना इतनी दूर। अच्छा तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं ये धूप देख रही हो, अभी दिखाता हूँ कि मैंने ये अपना अपर जो है ना वो भी उतार दिया। वो क्यों उतारा है कि धूप इतनी को तेज़ है, इतनी को तेज़ है कि गर्मी मतलब गाड़ी के अंदर चपेटे पड़ रही थी। उतारा है इधर जो है ना, हम सर्विस एरिया पर उतरे, यार थोड़ा सा मतलब स्टे किया जाए, और ये इस साइड पर आप बादल देख सकते हो, धूप मतलब रास नहीं आई अभी मैं कह रहा था, लेकिन जैसे उतरूँ बादल तो दूर की बात है छोड़ो, लेकिन बादल तो दूर की बात है छोड़ो, लेकिन मतलब ये खाली हवा और ठंडी उसने ही बड़ा हाल हवाल कर दिया मेरा। और अभी पीछे देख लो कि बादल कैसे काले वाले आ रहे हैं, काले वाले आ रहे हैं, या ये गाड़ी वाला भी कहेगा कि सुन नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर कॉफी शॉप, लो जी जिसका सुनते थे और देखते थे मेट, नाम तो देखा ही होगा कहीं पर। यो भाई, अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर गर्मी हो रही है और यहाँ से बादल शादल आ रहे थे, लेकिन अभी जस्ट कॉफ़ी लिया और इतनी देर में जो है वो आप बाहर माहौल चेक कर सकते हो। बारिश हो भी चुकी है, हो के थोड़ी सी रुक भी चुकी है, और अभी तक जो है ना वो वेदर आ रहा है, और ये हाल है जस्ट अभी मेरे ख्याल में कोई 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे इससे, और इतनी देर में जो है ना ये माहौल बन चुका है। मैंने अपर उतार दिया था कि गर्मी है गर्मी है, अभी दोबारा अपर जो है ना वो पहनना पड़ेगा, क्योंकि हाथ मेरे जो है वो बिल्कुल फ्रीज दोबारा हो चुके हैं, स्टील अभी तक वो रिम झिम। अच्छा यहाँ पर ये सीन है कि यार वो मोटे ड्रॉप्स के साथ यहाँ पर बारिश नहीं होती, मौसलाधार जैसे कहते हैं, यहाँ पर जस्ट वो रिम झिम भी क्या शबनम टाइप कुछ गिरती रहती है, जैसे कि ये देखो इस टाइप का कुछ सीन होता है, लेकिन वो भी बड़ा हाल वाल गिर देती है। ये देखो जब गए थे तो रोड जो है ना बिल्कुल ड्राई थी, और अभी हाल देखो, और बादल आए थे जैसे कि वो देखो, और यहाँ पर फिर दोबारा ये भी ये खड़े खड़े मतलब खड़े खड़े ये हाल है। तो यहाँ पर वो 3 W's जो सुना था ना वही है, वर्क वेदर एंड वुमेन, कभी भरोसा नहीं करो। सो फाइनली जो है वो नॉर्थहैम्पटन में हम जो है वो उतर चुके हैं, लाइक मतलब कि मोटरवे से हम जो है ना हमने वहाँ से एग्जिट मार दिया, तकरीबन हम सिटी नॉर्थहैम्पटन की सिटी में है लाइक, ठीक है। तो यहाँ से हमने अब आगे मूव करना है, थोड़ा सा साइड पे है, या पता नहीं क्या नाम था अजुनेद भाई जहाँ पर जाना है, कैटरिंग पता नहीं सही नाम दे रहे हो या नहीं, कैटरिंग हमारे कैटरिंग तो उधर वो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, वही वाली कैटरिंग है। मौसम यहाँ का आप देख सकते हैं कि जैसे हसीन और जमील जो सो जो कि जिसकी वजह से फेमस है पड़ा, बहुत अच्छा है मतलब अच्छा बहुत अच्छे से याद मतलब आया कि
दरख्त बहुत है। अच्छा यार यहाँ के दरख्तों की वो नहीं आते कभी पत्ते शत्ते आएंगे ना, जैसे कि ये इसके पत्ते हैं और मेजोरिटी में जो नजर विंटर। कंट्री साइड का अपना मजा है वो। तना की तना की बात बता रहा था ना, तो वो कह रहा है कि यार अल्लाह खैर करे जब जॉब शॉप लग जाएगी ना उसके बाद कहता कंट्री साइड भी शिफ्ट हो जाएगी। मैंने बताया लंदन के कंट्री साइड में, कहता लंदन नहीं छोड़ना। ये लंदन की कंट्री साइड है, लंदन नहीं, लंदन के कंट्री साइड। मैंने आपसे कहा नहीं था मैं, वो हम उधर गए थे टलबरी पता नहीं क्या ये, जैसे कि ये तो वहाँ पर बहुत आला। हमने उसी वक्त बैठ के ना चेक किया कि यार क्या प्राइस चल रही है, तो भाई वो डबल बेड और डबल घर का तकरीबन 1200-1400 और क्या चाहिए, ये लोन अलग और ईच एंड एवरीथिंग अलग। वो क्या था यार कैटरिंग जो है वो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त, और बहुत मज़े के व्यू थे। रास्ते में मैं दिखा नहीं सका, मतलब जैसे हमारे वहाँ पर खेत छेत होते हैं, यहाँ पर वो खेत वो गंदे वाले नहीं होते, गचने किचड़ बारिश होने के बाद जो है ना, ना बंदे का पता लगता है ना किचड़ का पता लगता है, लेकिन बहुत प्यारा बहुत उमदा। तो ये मतलब कह लो कि आप सिटी नहीं, मतलब सिटी कह लो या गांव कह लो, जो यहाँ के ये जो है ना वो विलेज है, कंट्री साइड आप कह लो, लेकिन वो विलेज में जैसे पिछली दफ़ा भी कहा था कि फरारियाँ खड़ी होती हैं इनके घर के बाहर जो है ना, गाड़ी आपको हर किस्म की हर ब्रांड की नज़र आएगी, ये अभी विलेज वाले सही है, बहुत निज़ाम है। खैर पॉइंट इज़ कि हम अपनी जो है ना डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले हैं लाइक कोई 10 से 15 मिनट में। चीज़ें चेक करते रहो यार, मैं सिर्फ इसलिए तो वीडियोस बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए जितना पॉसिबल हो सके मैं आपको दिखाऊं और अच्छा किस्म का दिखाऊं। कैसे जुनैद भाई? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी वो भाई के घर तो नहीं पहुंचे जहाँ से उन्होंने सामान लेना था, बट उनके दोस्त के घर के बाहर हैं वो, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जी उनकी तरफ से दावत है हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी का नाश्ता तो नहीं, अब खैर टाइम देख लो और साथ में व्यू के मज़े भी ले लो ब्रो। तो कह रहे हैं कि हलवा पूड़ी जो है ना वो यहाँ से हम खाते हैं और दैन फिर हम आगे मूव करेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, मतलब अपने फ्लैट रूम पे, और वहाँ से सामान की पैकिंग करेंगे, डालेंगे गाड़ी के अंदर और निकलेंगे। यस तो ब्रो सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना मैं वीडियो अपनी वाइंड अप कर दूँ, व्लॉग अपना वाइंड अप कर दूँ, क्योंकि बैटरी जो है इसकी 10% है, वो भी अभी जस्ट मैं स्टेशन पर बैठा था, मतलब ट्रेन के लिए तो ही चार्ज की है, क्योंकि पावर बैंक था वो टाइप सी वाली डाटा केबल है, तो टाइप सी उसके अंदर लगता नहीं है। ये पता था चलो कि हम गए थे अपने दोस्त के साथ, वहाँ से उसका सामान लेना था, वो रूम में शिफ्ट हो रहा था, बट जो उसका प्रॉब्लम जो उसका पर्सनल मैटर चल रहा था जिसकी वजह से वो नॉर्थहैम्पटन से जो है लंदन मूव हो रहा था, वो उसका जो है ना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका था। मतलब हम जब गए, क्योंकि लास्ट में हम उसके घर उसके दोस्त के घर थे जहाँ पर हमने मैंने कहा हलवा पूड़ी खाएंगे, तो वो उसका मसला सॉर्ट आउट हो चुका था, लेकिन हमारा प्रॉब्लम जो है वो दोबारा क्रिएट हो चुका है, वो ये वाला कि अब हमारे पास रूम है और कोई है नहीं, और जो रूम किस्म था जो कि मैंने आपको कल वाली व्लॉग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, वो ऐसा था कि मैंने 3-4 दिन के अंदर अपना रूममेट जो है वो मैंने ढूंढना है जो कि मेरे साथ रहेगा, नहीं तो अगर मुझे उस रूम में रहना तो मुझे 2 बंदों का रेंट देना पड़ेगा, इफ़ नॉट तो वो मुझे रूम चेंज करके नीचे ऊपर या कहीं पर भी वो मुझे भेज देगी। सो ये चीज़ हमें जो है वो करनी पड़ेगी। खैर 3 दिन है हमारे पास, तो एजेंट भी ढूंढ लेगी या हम जो है ना वो ढूंढ लेंगे। खैर इससे पहले कि मोबाइल मेरा बंद हो जाए, तो आज का व्लॉग खत्म करते हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।